चलो, कैसे मिला रहे हो? बिल्कुल, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आपकी जो क्लास है शुद्ध वर्तनी की, ये क्लास 2 है बेटा। कल एक हो चुकी है, पहले कल वाली क्लास को आप लोग देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है। ये यहां पर क्लास 2 है आपकी, ठीक है? तो याद रखना, कल इसका एक पार्ट हो चुका है, ये पार्ट 2 है आपका। और याद रखना, मैंने आपसे बोला था 3 क्लासे लूंगा मैं इसकी। आज आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल नए मिलने वाले हैं, जो शायद बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों ने कभी ना पढ़े हों। लेकिन यहां पर याद रखना, सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अब यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो यहां पर इसमें मुद्दा है वो क्या है? जैसे यदि हम बात करें तो पहला इसमें जो कंसेप्ट आता है शुद्ध वर्तनी का, नियम पहला आता है, तो याद रखना, महाप्राण वर्ण का दीप्त नहीं बनता है। देखना, मतलब जो भी महाप्राण वर्ण होंगे उनका यहां पे दीप्त नहीं बनेगा। जैसे आप लोगों को यहां पे दिया का, खा, आपको दिया चा, छा, आपको दिया जा, झा, आपको दिया यहां पर टा, ठा, आपको दिया पा, फा, आपको दिया बा, भा, आपको दिया यहां पर जैसे त, थ, द, धा। तो याद रखना, ये जो आपको वर्ण दिए हुए हैं यहां पर, ये जो वर्ण लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? आपके अल्प प्राण है। कौन से हैं? अल्प प्राण। और ये जो वर्ण लिखे हुए हैं ये कौन से हैं? आपके महाप्राण है। कौन से हैं? महाप्राण है। ये भी आपके कौन से हैं? तो महाप्राण है। तो याद रखना, महाप्राण वर्ण का कभी भी दीप्त नहीं बनता। पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और इस बात को नोट डाउन भी करते जाना आप लोग, क्योंकि याद रखना ये वाला मुद्दा आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वहां पर हम इसको शुद्ध लगा के आते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो अशुद्ध निकला, क्या सोचा था और क्या हो गया, देखते देखते। समझना बिल्कुल। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां पर देखना, आपको जो मुद्दा दिया हुआ है, सबसे पहले जैसे मान लो आपको यहां पे लिख के दे दिया जैसे ठा और ठा, क्या यहां पर इस तरीके से आ सकता है? क्या यहां पर आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है धा के साथ में धा? क्या आपने कभी ऐसा देखा है छा के साथ में छा? मतलब दीप्त का मतलब होता है, तो दीप्त में आपका डबल ता आ सकता है, डबल ना आ सकता है, डबल पा आ सकता है, डबल चा आ सकता है, डबल का आ सकता है। ये शुद्ध होते हैं, लेकिन कभी डबल खा? अच्छा ये बताओ, क्या डबल खा आप लोगों ने ऐसा कहीं देखा है क्या? गलत। क्या आप लोगों ने डबल छा देखा है क्या? गलत। क्या आप लोगों ने डबल झा देखा है क्या? गलत। क्या आप लोगों ने फा देखा है क्या? तो गलत। तो याद रखना, महाप्राण वर्ण का कभी भी दीप्त नहीं बनता। दो महाप्राण वर्ण एक साथ पास पास कभी नहीं आ सकते। दो महाप्राण व्यंजन वर्ण एक साथ नहीं आ सकते। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है? चलो भैया लिख लो पहले सभी बच्चे। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, टाइम चेंज कर देंगे उसका, हो गया? हाँ हाँ ठीक है। चलो अब यहां पर समझना, जैसे मान लो आपको शब्द दिया हुआ है, आपने यहां पर शब्द लिखा। समझना, आपको यहां पर शब्द दिया हुआ है इकट्ठा, और एक आपको शब्द दिया हुआ है यहां पर मुट्ठी। तो ये बताओ इनमें से शुद्ध कौन सा है? दोनों ही शुद्ध है कि एक शुद्ध है एक अशुद्ध है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो जल्दी से जल्दी यहां पर आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें शुद्ध है। खुश रहिएगा। हाँ दोनों अशुद्ध हैं। देखना, अब यहां पर याद रखना, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि यहां पर ये ठा क्या है? महाप्राण है, और महाप्राण दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर ऐसे शब्दों को शुद्ध करना है तो महाप्राण से पहले वाला वर्ण आप लोग लिख दो और वही अल्प प्राण होगा। तो इसको शुद्ध करने के लिए ये बताओ, ठा से पहले क्या आता है? टा।
बस खत्म मामला। जैसे आपको दिया है मुट्ठी, तो ठा से पहले क्या आता है? टा आता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे? आपके शुद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। क्लियर है बात यहां पर? चलो भैया लिख लो सभी बच्चे। हाँ अल्प प्राण तो कुछ भी हो सकता है, मिट्टी, इसके बाद अड्डा, ये सब आपके अल्प प्राण में जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो ये नियम समझ में आया सभी को। मतलब दो महाप्राण वर्ण एक साथ नहीं आ सकते किसी भी शब्द में, तो आप लोगों को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखना आपको, यहां पर अगला जो नियम है, अगला नियम यहां पर समझना, अगला जो नियम है बिल्कुल नया नियम है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद। ये दिया हुआ है डा और ढा, तो डा और ढा की यदि हम बात करें तो याद रखना, इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में नहीं होता, संस्कृत शब्दों में नहीं होता। मतलब यहां पर याद रखना, ये जो आपके वर्ण है ढा और ढा, तो इनका प्रयोग यहां पर संस्कृत शब्दों में नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर संस्कृत शब्द लिखा किणा, और एक यहां पर मैंने शब्द लिखा कौन सा? किणा, और इसके नीचे क्या लगा दी? बिंदी। अब आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, बताइएगा जल्दी आप लोग। हाँ चलो भैया ठीक है। हाँ संस्कृत शब्दों में नहीं आएगा बेटा ये। हाँ ठीक है, देखना अब यहां पर समझ लो, आप लोग क्या करते हो, बोला सर ये शुद्ध होगा, लेकिन याद रखना पहले ये देख लो ये शब्द कौन सा है, संस्कृत का शब्द है, तो ये आपका यहां पे तद्भव शब्द है ना कि ये शुद्ध है, और ये आपका तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द आपका संस्कृत का शब्द होता है, और संस्कृत के शब्दों में कभी प्रयोग नहीं होता, तो ये शुद्ध माना जाता है, ये अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि क्या करते हैं आप लोग, सबसे ज्यादा प्रचलन में यही है, याद रखना सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सा? किणा, ये वाला लिखा जाता है। जैसे मान लो यहां पर आप लोगों ने लिखा एक शब्द, आप लोगों ने सुना होगा योग ऋण, और एक यहां पर लिखा हुआ है योग ऋण। अब यहां पर ये आप लोग शुद्ध मानते हो, लेकिन अशुद्ध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि रूढ़ जो शब्द होता है वो अपने आप में क्या होता है? संस्कृत होता है, और संस्कृत शब्दों में यहाँ पर कभी भी ढा और ढा का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज को लिख लेना और आज सही कर लेना, क्योंकि आप लोग हमेशा इसको गलत करते आए हैं। जी बिल्कुल, हाँ चलो और देख लें। जय समझना, एक दिया हुआ है आपको दृण, और यहां पे लिख दिया क्या? दृण। आपको यहां पे एक दिया हुआ है गरुण, और यहां लिख दिया क्या? गरुण। ठीक है, अब यहां पे देखना, एक लिख दिया आपका कौन सा? रूढ़, और एक यहां पे लिख दिया कौन सा? रूढ़। बताइएगा कौन सा शुद्ध है, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताइएगा। हाँ ठीक है, चलो हाँ मूड भी इसी में आ जाएगा, मूढ़, और एक होता है मूढ़, एक आपको दिया है उत्पीड़न, और एक दिया हुआ है उत्पीड़न। चलो भैया बताइएगा जल्दी से जल्दी कौन सा यहां पे शुद्ध है। तो यहां पे आप लोग क्या करते हो, ये वाला सही है, तो पहले देख लो दृण,
ये दृढ़ क्या संस्कृत शब्द है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। गरुण ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। रुण ये शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही आपका इधर भी है, तो उत्पीड़न आपका संस्कृत शब्द है, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध हो जाएगा। मामला समझ में आया सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया। जो संस्कृत के हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। एक इसका बहुत सारे नियम होते हैं, इनका प्रयोग कहां कहां नहीं होता है, मैं आपको एक साथ बता देता हूं। जैसे यहां पर याद रखना, जो आपका ढा और ढा है इनका प्रयोग कहां कहां नहीं होता है समझना। जो आपको यहां पर दिया हुआ है ढा और ढा, यदि हम इसकी बात करें ढा और ढा की, तो इसका प्रयोग कहां कहां नहीं होता है सबसे पहले याद रखना। इसका यहां पर विदेशी शब्दों में प्रयोग नहीं होता, सबसे पहले विदेशी शब्दों में प्रयोग नहीं होता, तो विदेशी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। एक और कंसेप्ट यहां पर समझना, इसमें याद रखना, किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, तो यहां पर याद रखना ये शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, कोई भी शब्द दुनिया का उसके प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं होगा। तीसरा यहां पर याद रखना, उपसर्ग के बाद नहीं आएंगे, उपसर्ग के बाद नहीं आएंगे, उपसर्ग के बाद नहीं आएंगे ये। इसके बाद याद रखना, यहां पर अनुस्वार के बाद भी नहीं आएंगे, अनुस्वार के बाद भी नहीं आएंगे, तो अनुस्वार के बाद भी इनका प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद यहां पर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा तो इनमें हलंत का प्रयोग भी नहीं होता, इसमें किसका प्रयोग, इसमें हलंत का भी प्रयोग नहीं होता, तो हलंत का भी प्रयोग नहीं होता इसमें। इसके बाद यहां पर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा तो संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता, किसमें, संस्कृत शब्दों में, संस्कृत शब्दों में प्रयोग नहीं होता, संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। ये सब इसके कंसेप्ट हैं। तो यहां पर याद रखना, अगर आपको यहां पे पूछा जाएगा सबसे पहला, अगर कोई संस्कृत का शब्द लिखा है तो उसमें ढा और ढा नहीं आएगा, बिंदी हट जाएगी उसमें से, याद रखना बिंदी हट जाएगी। इसके बाद विदेशी शब्दों में नहीं आएगा, इसके बाद यहाँ पे शब्दों के प्रारंभ में नहीं आएगा, इसके बाद उपसर्ग के बाद कभी नहीं आएगा, अनुस्वार के बाद कभी नहीं आएगा, हलंत का प्रयोग इसमें नहीं होगा। अब देखना कैसे, जैसे मान लो मैंने यहां पर कोई शब्द लिखा, यहां पे आपको शब्द लिखा जैसे तांडव, और एक शब्द यहां पे लिखा, एक शब्द यहां पे लिखा तांडव। अब यहां पर दूसरा दिया हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा अडिग, और एक शब्द यहां पे क्या लिखा, अडिग लिखा। देखना, इसके बाद यहां पर आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको जैसे मैडम, क्या दिया हुआ है, मैडम, और एक और शब्द आपको दिया हुआ है यहां पर मैडम। इसके बाद आपको दिया हुआ है जैसे रेडियो, और यहां पर भी आपको दिया हुआ है क्या, रेडियो। इसके बाद यहां पर याद रखना, अगला जो आपका बिंदु है, आपको इसमें और भी शब्द दिए हुए हैं, समझना कैसे, आपको यहां पर और भी शब्द इसमें दिए हुए हैं, उनको भी यहां पर समझ लेते हैं, समझना। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा डमरू, और एक शब्द यहां पर लिखा कौन सा, डमरू। इसके बाद एक लिखा यहां पर ढोल, और एक यहां पर लिखा कौन सा, ढोल। अब देखना यहां पर इसमें शुद्ध कौन सा अशुद्ध कौन सा है, पहले समझ लो आप लोग, बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हर चीज को पहले पढ़ लो आप लोग। यहां पर याद रखना, आपको जो बिंदु दिया हुआ है, यदि हम बात करें सबसे पहले तांडव, तो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या आ गया, डा आ गया, तो इसमें बिंदी नहीं आएगी, मतलब ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये नियम कहता है कि यहां पे अनुस्वार के बाद कभी बिंदी नहीं आएगी। जैसे मान लो आप लोगों ने लिखा यहां पे दंड, और मैंने यहां पे लिख दिया क्या, दंड, तो इसमें दंड में कौन सा दंड शुद्ध है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, शुद्ध, क्योंकि अनुस्वार के बाद कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक शब्द लिखा कौन सा, चंडी, और एक शब्द यहां पर लिखा कौन सा, चंडी। तो याद रखना, आपका चंडी और चंडी दो दिए हुए हैं, तो यहां पर अनुस्वार के बाद इसका प्रयोग नहीं होगा। याद रखना, ये क्या हो जाएगा, इसमें शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर अब देखो अडिग दिया हुआ है, अडिग की बात करें
तो सीधा सीधा याद रखना आ क्या है, इसमें उपसर्ग है, इसमें भी आ क्या है, ये उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और जब वहां पे उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो जो डिग दिया हुआ है डा आपका आ गया, उपसर्ग के बाद डा का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां पर जैसे ही उपसर्ग आया तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अशुद्ध। अगला यहां पर देखना, आपको दिया मैडम और मैडम, अब जैसे आपको दो मैडम दी हुई है, समझना आपको यहां पर दिया हुआ है क्या, एक दिया है मैडम और एक शब्द आपको क्या दिया हुआ है मैडम, तो सारे नियम एक साथ दिमाग में चलने चाहिए तब जाके शुद्ध होगा, अन्यथा अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहां पर सीधा सीधा याद रखना आपको दिया हुआ है मैडम और मैडम, तो मैडम और मैडम की यदि हम बात करें तो आपको पता है मैडम जो शब्द है ये यहाँ पे विदेशी शब्द है, कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है, और विदेशी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि याद रखना आप लोगों को तो पता ही नहीं है, आप लोग तो क्या करोगे, बोला हाँ सर एक मैडम ये रही, एक मैडम ये रही, ये बिंदी लगाती, हाँ यही सही मैडम है, क्योंकि बिंदी लगाने वाली सही मैडम नहीं है बेटा, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा आपका शुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या, रेडियो दिया हुआ है, और यहाँ पर एक शब्द दे दिया आपको कौन सा, रेडियो। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जैसे रेडियो कौन सा है, विदेशी शब्द है आपका, अब यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगा लेंगे, ये थोड़ा स्टाइलिश लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, ये क्या रेडियो के सिग्नल मिलाने वाला बिंदु है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, विदेशी शब्द है, हटाओ, ये क्या हो जाएगा इसमें शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पर ऐसे ही देखना। अब डमरू है, अब यहाँ पर जैसे आपको ये डमरू दिया हुआ है, तो डमरू की बात करें, अब यहाँ पे दिया हुआ है डमरू, अब जो डमरू दिया हुआ है एक में बिंदी लगा दी, अब आप लोग क्या सोचोगे, बोला सर ये डमरू थोड़ा ठीक लग रहा है, ये डमरू है और ये नीचे बिंदी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये डमरू को क्या है बजाएगी, तो याद रखना ये बिंदी का काम है भाई साहब के स्टार्टिंग में नहीं आएगी, अगर डा और ढा आ रहा है तो प्रारंभ के शब्दों में या किसी भी शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा अशुद्ध और ये क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। लिख लो बेटा पहले इतना, हाँ चलो सही है। ठीक है चलो आगे बढ़े। अब देखना यहां पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोगों को बताना कौन सा शुद्ध है, विगत परीक्षा में पूछे गए शब्द, तो विगत परीक्षा में पूछे गए शब्द हैं, विगत परीक्षा में पूछे गए जो शब्द हैं, तो बेटा यहां पर याद रखना इन शब्दों पर हम वार्ता करेंगे, और विगत परीक्षा में बहुत सारे शब्द आ चुके हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ज्योत्सना और एक लिखा हुआ है क्या ज्योत्सना, इसके बाद यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अहिल्या और एक शब्द आपका लिखा हुआ है कौन सा अहल्या, इसके बाद यहां पे दिया हुआ है चिन्ह, कौन सा दिया हुआ है, तो याद रखना यहां पर दिया हुआ है चिन्ह और यहां पर ये दिया हुआ है कौन सा चिन्ह, इसके बाद यहां पर याद रखना एक आपको शब्द बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है अंताक्षरी और एक दिया हुआ है यहां पर अंत्याक्षरी, ठीक है, इसके बाद एक और शब्द आप लोग याद रखना, एक और शब्द आपका यहां पर आ चुका है समझना, एक दिया हुआ है पृष्ठ और यहां पे दिया हुआ है पृष्ठ, इसके बाद यहां पर एक शब्द दिया हुआ है आपको कौन सा शासन और एक शब्द दिया हुआ है यहां पर शासन, एक शब्द आपका दिया हुआ है, ये सारे आए हुए शब्द याद रखना किसी ना किसी एग्जाम में, एक दिया हुआ है आपको यहां पर आशीर्वाद, या यहां पर ऐसा भी लिख देते हैं आशीर्वाद। चलो बेटा बताइएगा कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है जी,
चलो देखना और शब्द लिख लो, ये भी आ चुका है। एक दिया है बुध बुध, और एक इसमें कोष्टक में दिया हुआ है बुध बुध, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ऐसे शब्द जब भी दिए जाएंगे पहले पहचान लो, यहां पे ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि याद रखना आप लोगों को लग रहा होगा ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ज्योत्सना होता है। तो यहाँ पे आधा सा आता है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध। अहिल्या कोई शब्द नहीं होता, अहल्या होता है, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। इसके बाद यहां पर याद रखना प्रष्ट होता है, प्रष्ट नहीं होता, शासन होता है, शासन नहीं होता, आशीर्वाद होता है, ये नहीं होता, और बुध बुध दोनों में हलंत नहीं लगता, एक में हलंत लगता है। तो ये आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। लिख लीजिएगा सभी बच्चे, आओ ये सा और टा वाले में शब्द लिखा देता हूं जितने शब्द हैं, हाँ जो गलत करके आते हो आप लोग। चलो हो गया सभी का जी। अब यहां पे देखना कुछ शब्द आप लोग लिख लो, ये जो सा के साथ में टा आता है ये वाला, ठा नहीं आएगा यहां पर, पहले लिख लो सभी बच्चे। आपको यहां पर शब्द दिया हुआ है जैसे इष्ट, और इसमें यहां पर वो क्या देगा, इष्ट भी देगा। जैसे आपको यहां पर दे दिया शिष्ट, और यहां पर वो क्या देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए शिष्ट। एक आपको शब्द दिया हुआ है कौन सा, आकृष्ट, और एक दिया हुआ है यहां पर आकृष्ट। इसके बाद यहां पर देखना आपको दिया हुआ है, जैसे एक दिया हुआ है संतुष्ट, और एक दिया हुआ है यहां पर संतुष्ट, ठीक है। इसके बाद यहां पर याद रखना एक आपको शब्द दिया हुआ है चेष्टा, और एक यहां पर शब्द दिया हुआ है चेष्टा। सारे शब्दों को बिल्कुल यहां पर लिखते जाना, ये सारे शब्द आ चुके हैं आपके। इसके बाद यहां पर याद रखना एक शब्द आपको दिया हुआ है प्रविष्ट, एक शब्द आपको यहां पर दिया हुआ है प्रविष्ट, एक शब्द आपको यहां पर दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है दृष्टा, और एक यहां पर शब्द दिया हुआ है दृष्टा, और ये शब्द ऐसा भी कई बार आ जाता है दृष्टा। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो आप लोग, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पहले आप लोग समझ लो कौन सा शुद्ध होगा कौन सा अशुद्ध होगा, ठीक है। हाँ और भी शब्द पहले लिख लेते हैं, दो तीन और लिख लो। एक दिया हुआ है आपका संश्लिष्ट, और यहां पे दिया हुआ है संश्लिष्ट, ये ठा दे देगा, क्या दे देगा ठा। अब बताइएगा, हाँ सबसे अधिक ग्रामर आई थी 2018 में, बिल्कुल बेटा ग्रामर आएगी तो ग्रामर ही आएगी, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। आओ एक और शब्द लिख लो, यहां पे आपको दिया हुआ है सृष्टा, एक शब्द आपको दिया हुआ है यहां पे सृष्टा, और एक शब्द आपको दिया हुआ है सृष्टा, सृष्टा ऐसा भी दे देता है वो, ठीक है। सृष्टा नहीं होता, सृष्टि जरूर सुना है हमने। अब यहां पर देखना इसमें शुद्ध कौन सा है, तो ठा का प्रयोग नहीं होगा, इष्ट शुद्ध होता है, शिष्ट या शिष्ट, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, शिष्ट होता है आपका, क्या होता है अच्छा। यहाँ पे आकृष्ट, आधन कृष्ण दंता बनता है, तो यहाँ पर ये ता मतलब टा हो जाएगा आपका। और याद रखना ज्यादातर शब्दों में जब यहाँ पे सा आता है तो सा टा के साथ ज्यादा आता है, ठीक है। इसके बाद संतुष्ट, तो यहाँ पर संतुष्ट नहीं होता, ये टा आता है। यहाँ पर भी देख लो आप लोग, चेष्टा, चेष्टा नहीं होता, प्रविष्ट होता है। ये प्रविष्ट दोनों गलत लिखे हुए हैं, प्रविष्ट में लिख देता हूं, ये होता है प्रविष्ट, और एक दिया हुआ है प्रविष्ट, ठीक है। ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, दृष्टा ये शुद्ध है, था आएगा नहीं, और ये रपार, ये वाला रा नहीं लगता, ऋषि वाला इसमें, ये आपका लगता है खड़ी पाई वाला, कौन सा लगता है इसमें, खड़ी पाई वाला लगता है। तो यहां पर याद रखना बिल्कुल ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ
जी बिल्कुल हो गया। इसके बाद यहां पे देखना आपको संश्लिष्ट और यहां पे संश्लिष्ट, बेटा संश्लिष्ट कुछ नहीं होता, संश्लिष्ट होता है, संश्लिष्ट सर्वनाम के साथ वाला विभक्ति के साथ प्रयोग होता है, उसे संश्लिष्ट कारक कहा जाता है। ठीक है, हाँ ये आपका शुद्ध हो जाएगा। सृष्टा होता है, था नहीं होता, ये वाला रा नहीं आता, याद रखना। जहां पर भी आपका रपा रा का प्रयोग हो रहा है, तो अगर मान लो खड़ी पाई आ रही, तो उसमें ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता आपका, ये तो ऋषि है, स्वर है आपका। लिख लो भैया सभी बच्चे, सभी बच्चे यहां पर नोट डाउन कर लो इतने शब्दों को। हाँ अभी और है बेटा, सारे शब्द लिखवा दूंगा, टा वाले और ठा वाले, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको। जी नेट फर्स्ट पेपर का 10 तारीख को यहाँ पर आपका बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो आप लोग रुक जाइएगा, 10 तारीख तक आपको नेट जीआरएफ मिल जाएगा। मैंने कहा अभी तो 10 और 15 के बीच में, ठीक है, फर्स्ट पेपर हो जाएगा आपका, सेकंड में भी कुछ सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। चल हो गया, नेट के फॉर्म भरने लगे बेटा, सब लोग भर देना। हाँ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो अब देखना, यहां पर ये जो सा है वो ठा के साथ भी आता है, तो ये वाले शब्द भी आप लोग लिख लो, ये भी आप लोगों से गलत हो जाते हैं। हाँ हिंदी फाउंडेशन बैच बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आज उसमें इंट्रोडक्शन था, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, शाम को 7 बजे समय है उसका। अब देखो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है क्या, एक दिया है श्रेष्ठ और एक दिया हुआ है आपका श्रेष्ठ, ठीक है, तो यहां पर याद रखना एक आपका दिया हुआ है प्रष्ठ और एक दिया हुआ है प्रष्ट, ठीक है। इसके बाद यहां पर याद रखना और भी आपको शब्द दिए हुए हैं, जैसे एक दिया हुआ है ज्येष्ठ और एक आता है ज्येष्ठ, क्या आता है ज्येष्ठ, एक आता है आपका कौन सा कनिष्ठ, एक आता है आपका कौन सा कनिष्ठ, ठीक है, समझ लो पहले सभी। हाँ बिल्कुल भैया, कब तक डालेंगे, 30 तारीख तक फॉर्म डालेंगे नेट के, नेट जीआरएफ के, ठीक है भैया। इसके बाद यहां पर याद रखना एक आता है वलिष्ठ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, और एक आता है आपका वलिष्ठ, क्या आता है वलिष्ठ, ऐसे ही आएंगे जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूं ना। हाँ तो यहां पर यहां पुराना ही सिलेबस रहेगा एमपीएसआई का भी, ठीक है। इसके बाद यहां पर याद रखना आपको यहां पे और भी शब्द दिए हुए हैं, जैसे घनिष्ठ हो गया, ठीक है, एक आता है आपका कौन सा घनिष्ठ और एक आता है आपका कौन सा घनिष्ठ, तो तुम लोग वहां पर क्या करते हो, गलती क्या होती, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, तो यहां पर श्रेष्ठ होता है, ये नहीं होता टा, प्रष्ठ होता है, प्रष्ठ नहीं होता आपका, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ये जो आपको शब्द दिए हुए हैं, जैसे यहां पर ये मैंने आपको कराया था, ऐसे यहां पर ये टा और ठा, तो यहां पर इन शब्दों में आपको यहां पर याद करना पड़ेगा, क्या आएगा ठा आएगा, क्या आएगा ठा, तो यहां पर बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता, ठा आएगा इसमें, क्या आएगा ठा, बिल्कुल भैया। चलो बिहार टेट में भर दो बेटा सभी। हाँ चल हो गया, हाँ लिख लो सभी। ठीक है, हाँ प्रतिष्ठा होता है, गोष्ठ होता है, गोष्ठी भी होता है, सही है, हाँ प्रतिष्ठा होता है बेटा, वो प्रतिष्ठा, ये गोष्ठ होता है, टा नहीं होता आपका, ये भी सही है आपका और ये भी सही है, ठीक है। हाओ जी बिल्कुल ठीक है, युधिष्ठिर नहीं होता वो, युधिष्ठिर होता है बेटा, युधिष्ठिर होता है वो, ठीक है, ये सही होता है आपका, लिख लो सभी बच्चे पहले।
हाँ, इसके बाद यहां पर कुछ ऐसे शब्द हम करने वाले हैं जो बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनका आप यहां पे जब प्रयोग करते हो तो हमेशा गलत कर देते हो, समझना। चलो अब यहां पे देखना, आपको जो बिंदु दिया हुआ है, बिल्कुल बेटा यहां पर नया बैच आया हिंदी फाउंडेशन, बिल्कुल डीपली पढ़ने का मौका आपको यहां पे एक ही बैच आता है साल में, और याद रखना 10 तारीख तक आप उस बैच को ले सकते हो। आज नहीं ले पाए थे बच्चे, क्योंकि यहां पर याद रखना जो बच्चे थे, बेटा सर्वर इरर आ गया था, मैंने आपको कल भी कहा था, 2 दिन से चल रहा है, हाँ इसलिए उसको बढ़ा दिया है बेटा। तो 10 तारीख तक आप परचेस कर सको, 599 रुपये रहेगा, और उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं। आज इंट्रोडक्शन आप लोग एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या होने वाला है, ठीक है। चलो भैया अब यहां पर आपको जो शब्द दिए हुए हैं, तो पहले यहां पर शब्द लिखना, जैसे मान लो एक दिया हुआ है आपको योगी, एक दिया हुआ है मंत्री, तो याद रखना योगी हो गया, मंत्री हो गया, एक हो गया आपका विद्यार्थी, इसके बाद यहां पर याद रखना एक हो गया आपका पंक्षी, क्या हो गया बेटा पंक्षी हो गया, इसके बाद यहां पर याद रखना अगला जो शब्द आपको दिया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा गुणी, क्या होता है एक होता है गुणी, इसके बाद यहां पर याद रखना एक दिया है आपको शशि, कौन सा दिया है शशि, इसके बाद एक दिया है आपको ओजस्वी, कौन सा दिया है ओजस्वी, इसके बाद यहां पर एक दिया हुआ है यशस्वी, कौन सा दिया हुआ है यशस्वी, समझना पहले यहां पर। एक दिया हुआ है आपको तपस्वी, एक दिया हुआ है मेधावी। अब यहां पर देखना, ये आज तक नियम शायद नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमेशा गलत करते हैं आप लोग, नेट की क्लास यूट्यूब पर चलेगी या हाँ पेड़ 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 कोर्स में रहेगा नेट GRF, हाँ और नेट के बारे में बता चुका हूँ, नेट के फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं, और याद रखना नेट से बहुत सारे आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। GRF निकाल दिया तो बेटा 40,000 रुपये मंथली आता है, पता है तुमको, हाँ केवल एक पेपर निकालने पर, उसके बाद PhD करो आराम से, कॉलेज में जाके बैठ जाओ। देख रहा अब यहां पर इतने जो शब्द दिए हुए हैं, याद रखना अगर इन शब्दों के साथ, अगर इन शब्दों के साथ कोई शब्द जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो इन शब्दों का अंतिम वर्ण, इन शब्दों का अंतिम वर्ण लघु हो जाता है, लघु हो जाता है। अब आपको यहां पर ये परिभाषा लिखना नहीं है, केवल समझना है। जैसे आप लोगों ने यहां पर लिखा मंत्रीगण, और एक मैंने यहां पे लिखा मंत्रीगण, अब यहां समझ जाओगे आप लोग, पहले समझना। हाँ बेटा ज्योति शर्मा जी सर, DED BED बेटा मैं पढ़ लेता हूँ एक बार सर, वर्ग दो पेड कोर्स में क्लास लगेगी, बेटा वर्ग दो कंप्लीट हो चुका है पेड कोर्स आपका जी, ठीक है तुम लोग आपस में ही लड़ लो, हाँ PhD कर ली अब साथ में, हाँ नेट भी चाहिए इसलिए नहीं हुआ, हाँ तो नेट भी कर लो, क्या दिक्कत है जी, बिल्कुल। चलो समझना, अब यहां पर आपको दिया मंत्रीगण और मंत्रीगण, पहले इसको समझ लो। तो आपके पास एक शब्द था मंत्री, अगर मैं इसमें कोई शब्द जोड़ूंगा तो याद रखना जो दीर्घ मात्रा है वो क्या हो जाएगी, लघु हो जाएगी, तो यहां पर ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, क्लियर है बात यहां पर। हाँ बेटा इसको लिख लेना आप लोग, नहीं तो इसको 100% तुम लोग गलत कर दोगे जी, हाँ ठीक है। जैसे आप लोगों ने यहां पर सुना होगा एक होता है पंचीराज और एक होता है पंचीराज, अब देखो पहले यहां पर समझ लो बेटा, पहले समझ लो आप लोग जी, पहले
पहले तो यहां पर याद रखना, ये जो पंछी लिखा है इस तरीके का आपके में कभी शब्द नहीं आता, पंछी होता ही नहीं। हम लोग बोलते हैं क्या होता है, पक्षी होता है, ये शुद्ध होता है और ये क्या होता है, अशुद्ध। तो यहां पर ये पंछी राज नहीं होगा आपका, इसको थोड़ा समझना। यहां पर दिया हुआ है पक्षी राज और एक दिया है पक्षी राज, एक दिया है आपका योगीवर, एक दिया हुआ है आपका योगेवर। समझना, अब यहां पर आपको योगी पक्षी दिया है तो ये लघु मात्रा हो जाएगी, ये शुद्ध, ये अशुद्ध, ये अशुद्ध और ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मामला समझ में आया सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ चलो एक और शब्द समझ लेते हैं, बहुत शानदार। जैसे ये आ भी चुका है, देखो प्राणी अगर लिखा है तो शुद्ध है, लेकिन आपने बोला प्राणीगढ़ और यहां पे प्राणीगढ़, तो ये शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? आप लोगों ने बोला प्राणी विज्ञान, तो इसमें छोटी की मात्रा आएगी, कभी बड़ी की नहीं आएगी, ठीक है? तो यहां पर ही लिख लेना बिल्कुल। रेड होता है बेटा, हाओ एसएससी में बेटा यहां पर 18 से 23, ओबीसी के लिए अलग रहता है बेटा, हाओ 26-27 तक दे सकते हो आराम से। पक्षी होता है जी, हो गया सभी का? चलो आवाज आ रही सभी को? देखना, अर्थात दिया हुआ है तो अर्थात में पीछे क्या आता है, हलंत आता है। क्या आता है? हलंत आता है। तो सीधा सीधा यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो हलंत यहां पर कहां आता है बेटा, अर्थात में। अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है। क्या होता है? अकस्मात होता है। तो यहां पर याद रखना, इसके पीछे भी क्या आएगा, हलंत आएगा। इसके बाद यहां पर याद रखना, आपको दिया हुआ है यहां पर आयुष्मान, और एक और यहां पर लिख के दे दिया आयुष्मान, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। आयुष्मान में पीछे क्या आता है, हलंत आता है। क्या आता है? हलंत आता है। तो यहां पर याद रखना, जब ना और मा, याद रखना जब भी आएगा आपका ज्यादातर ना, ता और दा, अगर ये पीछे आते हैं तो इनमें यहां पर क्या लगता है, हलंत लगता है। अगर यहां पर याद रखना, जब भी ये पीछे आएंगे किसी शब्द में तो याद रखना उसमें क्या आता है, हलंत आता है आपका। क्या आता है? हलंत आता है। क्लियर है बात बेटा? आवाज आ रही है सभी को? हाओ और शब्द देख ले अपन। हाँ देखना, अब यहां पे आपको दिया हुआ है, और भी शब्द देख लो, एक दिया हुआ है महान और एक दिया हुआ है महान, एक दिया हुआ है भगवान और एक दिया हुआ है भगवान, इसके बाद एक दिया हुआ है यहां पे भाग्यवान, भाग्यवान, एक दिया हुआ है आपका भाग्यवान,
ठीक है। इसके बाद यहां पर याद रखना और भी शब्द दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आपको यथावत, इसके बाद यहां पर एक और दिया हुआ है आपको कौन सा यथावत, तो यहां पर समझना आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं बिल्कुल आशीर्वाद, हाँ बिल्कुल भैया आयुष्मान भव, समझना तो आपको याद रखना ये महान शुद्ध होगा ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध होगा ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध होगा ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध होगा और ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जैसे आपको दिया हुआ है परिषद और यहां पर दे दिया क्या आपको परिषद, तो यहां छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको गलत करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है मूल्यवान, कौन सा दिया हुआ है मूल्यवान, और एक यहां पर दे दिया आपको कौन सा मूल्यवान, तो यहां हलंत लगेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लो एक दे दिया आपको संसद और एक यहां पे आपको क्या दे दिया संसद, तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा अशुद्ध और ये क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां पे लिख लो भैया। हाँ सही है, और भी लिखवा रहे बेटा। चलो इसके बाद यहां पे दिया हुआ है एक शब्द है मोस्ट इंपोर्टेंट हनुमान, और एक दिया हुआ है हनुमान, अब देखना ये शब्द बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। हाँ दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक है। चलो एक और समझना साक्षात, और एक दिया हुआ है साक्षात, एक शब्द दिया हुआ है विद्युत, एक शब्द दिया हुआ है आपको कौन सा विद्युत, ठीक है। तो यहां पर याद रखना आपका ये क्या हो जाएंगे अशुद्ध और ये क्या हो जाएंगे आपके शुद्ध हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे शुद्ध हो जाएंगे। क्लियर है बात। हाँ श्रीमान में बेटा यही आता है श्रीमान, ये शुद्ध होता है आपका, लिख लो सभी। चलो हो गया, अनुसंगिक नहीं होता बेटा वो आनुसंगिक होता है जी, गलत लिख रहे हो आप, आनुसंगिक होता है ठीक है। अनुसंग धन एक बनता है, अनुधन संग धन एक बन जाता है वो, ठीक है। चलो नेट की फीस बेटा यहां पे सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पेपर लेते हो उसकी अलग रहेगी, सब्जेक्ट की ज्यादा रहेगी आपकी। हाँ ये कौन है भैया सारे हिंदी के टीचर कुंवारे क्यों हैं, कौन बोला भैया और किसने बोला, हाँ एक भी नहीं है बेटा, हम भी नहीं है, हाँ नेट जीआरएफ का बेटा मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, ठीक है जी। चलो अब कुछ यहां पर शब्द विशेष समझ लेते हैं, कुछ यहां पर महत्वपूर्ण शब्द और देख लो बेटा, उसके बाद कल अपने एमसीक्यू लाने वाले हैं खतरनाक महत्वपूर्ण शब्द जो आने की संभावना है। जैसे आपको यहां पर शब्द दिया हुआ है एकत्र, एक दिया हुआ है अहोरात्र, ठीक है। यहां कभी कभी एकत्रित दे देता है, ठीक है, यहां कभी कभी अहोरात्रि दे देता है, ठीक है अहोरात्रि, अहो रात्रि, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक और शब्द आप लोग लिखना, एक होता है यहां पे क्रुद्ध, ठीक है, इसको कभी कभी वो क्या कर देता है क्रोधित कर देता है, क्या कर देता है, तो जब भी वो आपसे पूछेगा तो क्या दे देगा इसको क्रोधित के रूप में देगा, क्या देगा क्रोध के रूप में देगा, तो ये गलत होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं शुद्ध होते हैं आपके, क्या होते हैं शुद्ध होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, यहां पे दिया हुआ है जैसे आपको एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा बिल्कुल, एक होता है यहां पे धैर्य और एक होता है धैर्यता, तो याद रखना कभी भी धैर्यता नहीं माना जाएगा, शुद्ध धैर्य माना जाएगा, क्योंकि जब भी कोई उसमें प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या होता है बिल्कुल
बगैर हलंत वाले पढ़े हैं। चलो हो गया रे कबूतरों सबका हो गया। हाओ अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चेक कर लो कितने सही है। दिवारात्रि नहीं होता, दिवारात्र होता है। हो गलत लिख रहे हो, सन्यासी भी आप। सन्यासी ये थोड़ी होता है, सन्यासी में बेटा ना भी आता है, तो ये होता है आपका शुद्ध या शुद्ध हो जाता है आपका। ठीक है हाँ हो गया सभी का, 45 है बेटा। हाओ आवाज आ रही सभी को, एक बार कंफर्म कर दे। चलो अब मैं आपको यहां पर दो तीन चीजें और बता देता हूं, इसकी मैं पीडीएफ यहां पर डाल दूंगा और दो तीन चीजें और देख लेना आप लोग। चलो अब यहां पर समझना एक दो चीज जो आज तक नहीं पता तुम लोगों को, सुनिएगा। ठीक है अब बेटा यहां पे आप सभी के लिए जानकारी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेट के बारे में समझा देंगे, नेट की पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी बेटा, और नेट जीआरएफ का आप दे सकते हो। और पता है अच्छी बात भी है, ये बेटा यहां पर बैच आया है इतने सारे एग्जाम्स के लिए, जवान 2.0, और इसकी 10 तारीख लास्ट है बेटा। अभी आपको ये कोर्स मिलेगा केवल 599 रुपए में। इसकी क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, कल से। आज केवल यहां पर इंट्रोडक्शन था, मैंने बताया किस तरीके से हमको पढ़ना है। बिल्कुल हाँ पेड कोर्स में बेटा क्वेश्चन कल डल जाएंगे बहुत सारे। और नेट वाले कौन से जॉब है सर? बेटा जॉब नहीं है नेट, यहाँ पर एक क्या है आपका एग्जाम होता है इसे, पीएचडी में या असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग बनते हो उससे। ठीक है पीजी के बाद होता है, पीजी के बाद आप दे सकते हो, या रनिंग भी हो तो भी आपका चल जाता है। तो ये जो बेटा बैच है आपका हिंदी फाउंडेशन बैच आ चुका है, आपको पता होगा। और जो भी आपके सहपाठी मित्रगण जो भी है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी कॉन्स्टेबल की, राजस्थान एसआई की स्कूल व्याख्या था, या DSSSB टेट परीक्षा वर्ग दो किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो बेटा ये जो बैच आ चुका है। और याद रखना इसका ये ऑफर है बेटा कुछ ही समय के लिए है, उसके बाद ये 1499 रुपये हो जाएगा। क्योंकि याद रखना हर बैच मेरा 4000-3000 का आता है, ये पहला बैच है जो हिंदी फाउंडेशन हर बच्चे के लिए मात्र 599 रुपये का दिया है, तो याद रखना। और इसमें बेटा आपको बता कल से क्लास स्टार्ट होगी, पूरा डीपली बिल्कुल नया, पूरा नया पैटर्न मिलने वाला है, बिल्कुल अलग पैटर्न, पूरा नया। हाँ इसके बाद यहां पर याद रखना
इसको आपको परचेस कैसे करना है, तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 54% मतलब 50% होनी चाहिए मिनिमम, जी डाल सकते हो आप। इसके अलावा यहां पर याद रखना, जो आपके एग्जाम आने वाले अपकमिंग एग्जाम ये वाले दोनों हैं, इसके बाद यहां पर इसमें विशेष कक्षाएं रहेंगी कुछ आपकी, ये भी आपके एग्जाम है जो इसमें कवर हो जाएंगे, तो देख लेना भैया जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, दोस्त यार सहपाठी कोई भी। हाँ बिल्कुल, तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी यहां पर ये जवान बैच है बेटा 2.0 हिंदी फाउंडेशन बैच है, अगर मुझसे आपको डीपली हिंदी पढ़ना है, बिल्कुल गहराई से अगर हिंदी को जानना है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो बेटा इसमें एडमिशन ले सकते हो आप लोग, प्रैक्टिस भी इसमें सारी चीजें कराई जाएंगी। बाकी सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में समझा दी है, तो आप इंट्रोडक्शन बिल्कुल आज डल जाएगा, तो आप आराम से उसको देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ये जवान बैच के लिए बिल्कुल प्ले स्टोर से आप लोग तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, और यहाँ पर इस बैच को भी आप परचेस कर सकते हैं। यूपीएससी की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान की भी आने वाली है, इसके बाद रीट टेट बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप अभी से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे, आपको हिंदी से डर लगना बंद हो जाएगा। आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं कल रात 9 बजे सबसे खतरनाक क्लास में। याद रहे कल की क्लास में आपको लगेगा अरे बाप रे ये कहां से आ गया। ठीक है, तो आज के इतना ही, बोलिए भारत माता की जय।